नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अक्सर ही चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में सनातन संस्कृति के सर्वोच्च प्रतिनिधि जोशी मठ के शंकराचार्य स्वामी, जगतगुरु अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती महाराज शनिवार को दिल्ली में राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के घर पधारे थे। शंकराचार्य ने इस जोड़े के घर पर कुछ समय बिताया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। राघव चड्ढा ने अपने इंस्टाग्राम पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो शंकराचार्य का अपने घर पर स्वागत करते दिख रहे हैं। राघव और परिणीति के साथ उनके परिवार के सदस्यों ने शंकराचार्य स्वामी, अविमुक्तेश्वर आनंद और अन्य हिंदू संतों का भी स्वागत किया। इस दौरान राघव चड्ढा ने शंकराचार्य स्वामी को दंडवत प्रणाम भी किया। राघव की ये सादगी हर किसी को भा गई है। बता दें कि राघव चड्ढा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए शंकराचार्य स्वामी, अविमुक्तेश्वर आनंद को लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया है। राघव चड्ढा ने शंकराचार्य की तारीफ करते हुए लिखा, अहो भाग्य हमारे, मेरे घर साक्षात प्रभु हैं पधारे। आज मैं और परिणीति चोपड़ा भाव विफल हैं, आज हमारे भाग्य के द्वार खुल गए हैं। हम सभी धन्य हो गए। धर्म के ज्ञाता, सनातन सांस्कृतिक सर्वोच्च प्रतिनिधि जोशी मठ के परम पूज्य शंकराचार्य जी, अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी का शुभ आगमन आज हमारे निवास स्थान पर हुआ। उनके चरण कमलों की धूल से मेरे घर का हर एक कोना पवित्र हो गया। हमारे परिवार ने जगत गुरु शंकराचार्य जी के सानिध्य में बैठकर उनका आशीर्वाद और प्रसाद लिया। मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक पिता परमेश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी कृपा से मेरे परिवार के जीवन में ये अनमोल क्षण आया है। वहीं राघव चड्ढा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। राघव चड्ढा और उनकी पत्नी परिणीति ने अपने निवास पर शनिवार को एक भव्य पूजा का आयोजन किया और इस पूजा समारोह में पधारे शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया। राघव ने जो तस्वीरें साझा की हैं, उसमें पहली तस्वीर में राघव और परिणीति शंकराचार्य के सामने हाथ जोड़कर उनसे बात करते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में राघव शंकराचार्य स्वामी को दंडवत प्रणाम करते दिख रहे हैं। इसके अलावा एक फोटो में ये जोड़ा पूजा करता दिख रहा है। वहीं एक फोटो में परी को स्वामी अविमुक्तेश्वर प्रसाद देते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए राघव चड्ढा ने लिखा, आज हमारे घर जोशी मठ के परम पूज्य शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी का पवित्र आगमन हुआ। उनके चरणों से घर का हर कोना पवित्र हो गया। परिवार ने उनका आशीर्वाद और प्रसाद लिया। परम पिता परमेश्वर का आभार, जिनकी कृपा से ये अनमोल क्षण प्राप्त हुआ। अब सोशल मीडिया पर लोग राघव चड्ढा की वीडियो और फोटोज को देखकर जमकर अपनी रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, राघव आप दोनों की जोड़ी वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी है इस बॉलीवुड की, रियली राघव और परिणीति बोथ आर लकी, गॉड ब्लेस यू। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, धन्य हो गए आप राघव जी जो आपके घर स्वयं शंकराचार्य भगवान पधारे। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, माय फेवरेट जोड़ी राघव चड्ढा एंड परिणीति चोपड़ा जी, किसी की नजर ना लगे। वहीं एक और यूजर ने लिखा, आई लव यू राघव जी एंड योर फैमिली, नया इतिहास रचे आप, जय श्री राम। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, राघव जी आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो आपके घर स्वयं भगवान शंकराचार्य जी का आगमन हुआ। तो देखा आपने, लोग जमकर राघव चड्ढा की तारीफ कर रहे हैं, साथ ही कई लोग राघव को भाग्यशाली बता रहे हैं जो शंकराचार्य स्वामी उनके घर पर पधारे हैं। बता दें कि राघव और परिणीति चोपड़ा की पिछली साल राजस्थान के उदयपुर में लीला पैलेस में शादी हुई थी। उनकी इस भव्य शादी में करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए थे। इसके अलावा मनोरंजन और राजनीति की दिग्गज हस्तियां उनकी शादी में शामिल हुई थी। बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव हमेशा ही सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट की वजह से खबरों में बने रहते हैं। परिणीति के 36वें जन्मदिन पर उनके पति राघव ने कई तस्वीरें पोस्ट की थी। उन्होंने पोस्ट के साथ लिखा, आपकी हंसी, आपकी आवाज, आपकी सुंदरता, आपकी शालीनता, कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति में भगवान सब कुछ कैसे दे सकता है। बता दें कि राघव का ये पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हुआ था। वहीं परिणीति ने कई इमोजी के साथ राघव के पोस्ट का जवाब दिया, जिस पर ढेरों प्रतिक्रियाएं भी आई थी। वहीं अब जब शंकराचार्य स्वामी, अविमुक्तेश्वर आनंद राघव के घर पहुंचे और उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया, तो राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।